हाय, मैं सिमुराना और आपका स्वागत है ट्रैवल विद सिमुराना में। यह हमारी लास्ट ट्रिप है जिम कॉर्बेट की और हमारी यात्रा खत्म होने पे आ रही है। जिम कॉर्बेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बोलूँगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। उस सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहिए। ये स्टोरी उनकी है जिनके नाम पर यह पार्क जानी जाती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिनके नाम पर जानी जाती है, यानी जिम कॉर्बेट खुद। तो कौन थे जिम कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट एक महान हस्ती थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे अपनी शख्सियत के लिए, और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े हंटर भी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे आदमखोर जानवरों को मारा है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। एक लेपर्ड, एक चीता, ऐसे आदमखोर शेर जिन्होंने 400 लोगों को मारा था, उनको मारा था जिम कॉर्बेट ने। और ये जो स्टोरी है, पर्टिकुलर स्टोरी है, जिम कॉर्बेट ने खुद लिखी है और इसको जिम कॉर्बेट की लास्ट हंट कहते थे। इसके बाद उसने कोई शिकार नहीं किया, ये सबसे लास्ट शिकार था जिम कॉर्बेट का। ये कहानी थक आदमखोर शेर ने की है, ये कहानी कॉर्बेट की आखिरी शिकार की है। शिकार के पहले दिन से कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघिन उसके और उसके लोगों का शिकार करने के बदले में थी। कॉर्बेट उसके पीछे शेरनी के पंजों का निशान पा रहे थे। जहां भी जिम कॉर्बेट जा रहे थे उसे अपने पीछे शेरनी के पंजों के निशान मिल रहे थे, और इसी वजह से शिकार ना होने के लिए जिम कॉर्बेट को बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। कॉर्बेट ने बाघिन पे हमला किया और कुछ गाव दिए, लेकिन बाघिन जख्मी होकर भाग गई और बाघिन अब हर किसी चीज पे शक करने लग गई थी और उसे मारना बहुत मुश्किल हो गया था। आदमखोर को मारने का सबसे आसान तरीका है जब वो शिकार कर रही हो, लेकिन गांव मिलने के बाद वो शिकार तो कर रही थी लेकिन मारने के बाद भाग जाती थी। आदमखोर शेरनी की वजह से पूरा थक गांव सुनसान हो गया था। आदमखोर की डर की वजह से पूरे गांव के लोग घर बार सब छोड़ के भाग गए थे। उस आदमखोर शेरनी के पंजों के निशान गाँव के हर किसी सड़क, गली और दरवाजों पर थे, और इसी वजह से कॉर्बेट को बहुत सावधानी बरतनी पड़ी कि बाघिन को उस पे हमला करने का मौका ना दिया जाए। कॉर्बेट के टेंट के पास अक्सर शेरनी के पंजों के निशान पाए जाते थे जहां वो और उसके लोग ठहरे हुए थे। बाघिन ने थक गांव के अलावा एक 5000 मजदूर काम करने वालों को आतंकित किया जो वहां उस जंगल में पेड़ काट रहे थे। एक अवसर पर बाघिन एक इमारत के करीब आई जहाँ मजदूर तैनात थे, और उन मजदूरों ने उसे दूर भगाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बजाय बाघिन भाग जाती है चिल्लाने के शोर से। वो उनके चिल्लाने पर और ज्यादा गुस्सा हो गई और करीब आ गई, और बाघिन के गरजने पर उन मजदूरों के चिल्लाने की आवाज छुप हो गई और वो छुपी में बदल गई। नवंबर बाघों के लिए एक संभोग का मौसम होता है और इसी के कारण अक्सर बाघिन की पुकार सुनी जाती थी। शिकार के 3 सप्ताह के दौरान कॉर्बेट बाघिन को मारने में नाकाम रहे और अपने शिकार के आखिरी शाम 30 नवंबर कॉर्बेट ने हार मान ली, और कॉर्बेट निराश होकर अपने आदमियों और अपनी 2 बकरियों को इकट्ठा करने के बाद सुबह निकलने का फैसला कर लिया। अब जब कॉर्बेट सुबह निकलने वाला था, कॉर्बेट ने बाघिन को फिर से एक दोस्त के लिए पुकारता हुआ सुना। कॉर्बेट ने खुद को एक नर बाघ के रूप में बुलाकर बाघिन को धोखा देने की कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि उसे गोली मारने का आखिरी मौका था। बाघिन ने कॉर्बेट की कॉल का जवाब दिया और अगले 30 मिनट के दौरान वह धीरे धीरे कॉर्बेट और उसके आदमियों के पास आ रही थी। जब वह बाघिन को पहली पुकार सुनी थी तो कॉर्बेट तब थक और चुका गाँव के बीच के एक रास्ते पर था, इसीलिए उसके लिए बेजोड़ आदमखोर से मिलने के लिए जगह ढूंढना उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। उसने उसी थक गांव से थक के रास्ते में लगभग 800 मीटर की दूरी पर समतल भूमि के आयताकार टुकड़े के पूर्व और एक 4 फुट ऊंचे चट्टान पर मिलने का निश्चय। कॉर्बेट ने अपनी राइफल उस चट्टान के ऊपर रख दी और पोजीशन ले ली, लेकिन प्रकाश फीका पड़ रहा था और कॉर्बेट के पास प्रकाश उपकरण नहीं होने के कारण उन्हें डर था कि बाघिन बहुत देर से दिखाई देगी और वो उस अंधेरे में देखना और उसे गोली मारना में असमर्थ होगा। ये कॉर्बेट और उसके 4 आदमियों को एक आदमखोर बाघिन की दया पर छोड़ देते, लेकिन कॉर्बेट की किस्मत अच्छी थी, उसे बाघिन प्रकाश में ही दिख गई और उसने बाघिन को कॉर्बेट ने करीब से 2 गोलियां मार दी और उस आदमखोर बाघिन को मार डाला।
ये कॉर्बेट की सबसे लास्ट हंट थी। इसके बाद कॉर्बेट ने हंट करना, शिकार करना बंद कर दिया और इन्हीं कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट, जो इंडिया की पहली नेशनल पार्क है, वो तैमीर हुई और लोगों के लिए खोल दी गई। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शेर, हाथी, हिरन ऐसे कोई जानवर नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। उस जिम कॉर्बेट में आपको कई अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कोजी रिवर है, यहाँ का जो मौसम, यहाँ के पेड़। जिम कॉर्बेट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। होटल में रात को बॉनफायर और गाइड्स की स्टोरी, ये एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर जिम कॉर्बेट में 3 दिन या 4 दिन का टूर करें, यात्रा करें एक। बाकी मैं सिमराना और आप देख रहे थे ट्रैवल विद सिमराना। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाकी थैंक यू। I'm reaching out for arms I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind for the last time. Wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave unsaid. You know my heart will follow you into tomorrow. In tomorrow. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up.